हेलो माई डियर चिल्ड्रेन हाउ आर यू ऑल होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड सो वेलकम टू चैप्टर इलेवेंथ ऑफ अवर बुक दैट इज फोर्स एंड प्रेशर लेट्स विद अवर चैप्टर सो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ओके वॉट इज फोर्स सो लेट एस कंसिडर सम सिचुएशन ठीक है कुछ सिचुएशंस हम कंसिडर करते हैं लाइक टेबल पर बुक रखी है ठीक है और हमने उसे मूव किया हम डोर को ओपन कर रहे हैं या फिर क्लोज कर रहे हैं ठीक है आप अपने घर में बकेट उठाते होंगे बाल्टी जो है पानी से भरी हुई है उसको आपने उठाया और नीचे रखा ठीक है या आपने अपने, -अपने अलमीरा का ड्रॉर खोला उसको बंद किया या आपने एक बॉल को किक किया ओके या फिर आपने बॉल को बैट से हिट किया तो इन सभी सिचुएशंस में कुछ कॉमन है राइट कोई चीज़ कॉमन है वो क्या है डैट हम इन सभी सिचुएशन में इधर चीजों को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं या तो हम उन्हें धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं राइट सो पुश और पुल इज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द दिचुएशन राइट सो बिकॉज टू मूव द बुक अगर आपको बुक को मूव करना है तो या तो आप उसे पुल करेंगे या पुश करेंगे टेबल पे राइट right? डोर को ओपन करने के लिए या तो आप पुश करेंगे या पुल करेंगे राइट सो पुश और पुल इज इन्वॉल्व सो अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट ज कॉल्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब पुश या पुल अप्लाई होता है ठीक है पुश या पुल उस पर जब लगता है तो हम उसे क्या बोलते हैं फोर्स ये हम बहुत ही छोटी क्लासेस से क्लास थर्ड uh, स्टैंडर्ड से हम ये पढ़ते आ रहे अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ओके नाउ फोर्सेस आर ड्यू टू इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन मीन्स हियर यू कैन से टच ठीक है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगता है ठीक है तो इंट्रैक्शन होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लाइक like, अभी जैसे हमने बुक का एग्जाम्पल देखा एक बुक है जो टेबल पे रखी हुई है तो वो बुक अपने आप तो अपनी पोजिशन चेंज नहीं करेगी क्योंकि बुक मूव नहीं कर सकती है राइट right? तो वो अपने आप चेंज नहीं करेगी पोजिशन या तो हमें उसे पुल करना होगा या तो पुश करना होगा उसको अपनी जगह से मूव करने के लिए राइट सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बुक के साथ इंट्रैक्ट कर रहे हैं हमारा जो हैंड है वो बुक के साथ इंट्रैक्ट कर रहा है उसे टच कर रहा है या तो पुल कर रहा है या तो पुश कर रहा है ठीक है तो मतलब हम उस पर क्या कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे मूव करने के लिए राइट सो फोर्सेस आर ड्यू टू इंट्रैक्शन विदाउट एन इंट्रैक्शन द फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना है स्टेट मतलब या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है या मोशन में होता है रेस्ट पे होता है मतलब वो मूव नहीं कर रहा है राइट right? अपनी पोजीशन से विथ रिस्पेक्ट टू इट सराउंडिंग्स ये हम क्लास सिक्स में पढ़ चुके हैं रेस्ट एंड मोशन और मोशन का क्या मतलब है कि उसकी जो पोजीशन है वो लगातार चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग उसके सराउंडिंग के कम्पेरिजन में अगर हम उसको देखें तो वो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहे राइट सो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको चेंज करना है स्टेट तो फोर्स उस पर हमें लगाना पड़ेगा और विदाउट इंट्रेक्शन के जो फोर्स है वो अप्लाई नहीं होगा ओके विदाउट एन इंट्रैक्शन द फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है हमें उसको मोशन में लाना है हमें उसको मूव कराना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा राइट right? और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है ठीक है उसका स्टेट हमको चेंज करना है मतलब हमको उसके रेस्ट पे लाना है तो भी हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए राइट सो विदाउट एन इंट्रैक्शन द फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यहां हम स्टेट की बात कर रहे हैं स्टेट मतलब रेस्ट या मोशन ठीक है क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है ठीक है तो ऐसा नहीं कि उस पर फोर्स नहीं लग रहा है ठीक है अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके रूम में या कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ है तो उस पर भी फोर्स अप्लाई होता है लेकिन वो हम अभी आगे पढ़ेंगे उस चैप इस चैप्टर में कि वो कौन से फोर्सेस होते हैं जो उस पर एक्ट कर रहे होते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो ठीक है लेकिन फिलहाल हमें ये याद रखना है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना है ठीक है स्टेट अगर हमको उसको चेंज करना है तो वी हैव टू

उसकी एक्चुअली स्पीड चेंज हो रही है स्पीड बढ़ रही है सो दिस इज फोर्स ओके सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ओके सो फोर्स कैन ब्रिंग अबाउट मेनी इफेक्ट्स मेनी चेंजेस राइट सो सबसे फर्स्ट इज फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ठीक है ये अभी-अभी हमने पढ़ा कि फोर्स जो है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट पे जो कि रेस्ट पे है रेस्ट पे है मतलब वो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स उसके सराउंडिंग्स को अगर हम देखें तो उस ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन है वो चेंज नहीं हो रही है वो जहां पर है वहीं पड़ा हुआ है राइट right? सो so, अगर हमको उस ऑब्जेक्ट में मोशन लाना है तो वी हैव टू अप्लाई फोर्स तो अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो इट चेंजेस द स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ओके फॉर एक्जाम्पल अभी हमने बुक का एग्जाम्पल देखा था राइट right? बुक का एग्जाम्पल देखा था या आप घर में अपनी बाल्टी आपकी रखी हुई है भरी हुई बाल्टी ठीक है उसको अगर आप उठाते हैं ठीक है फोर्स आप उस पर अप्लाई करते हैं तभी जो उसका मोशन का जो सॉरी तभी वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आता है जो हमारी बाल्टी है वो मोशन में आती उससे पहले वो रेस्ट पे थी राइट और जैसे ही हमने उस पर फोर्स लगाया हमने उसे पुल किया तो क्या हुआ वो मोशन में आई बाल्टी राइट सो अब बुक लाइंग ऑन द टेबल ठीक है या फिर चेयर को हम अपने घर में पुश कर रहे हैं या कोई टॉय कार है या बाइसिकल है उसको हम पुश कर रहे हैं या हम बकेट को लिफ्ट कर रहे हैं ठीक है फ्लोर पे जो रखी हुई उसको हम ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं तो हर इन सभी केसेस में आप क्या कर रहे हैं आप उस ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट पे था उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं और जिसके वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ गया है राइट ठीक है ये आपने बहुत बार किया होगा घर पे जो चेयर अपनी रखी होती है एक जगह से दूसरी जगह करना है तो हम क्या करते हैं उसको पुश करके लेके जाते हैं ड्रैग करके लेके जाते हैं ठीक है सो वी आर अप्लाइंग फोर्स पहले वो जो चेयर थी वो रेस्ट पे थी ठीक है लेकिन जब हमने उस पर फोर्स लगाया तो वो मोशन में आ गई मूव करने लग गई राइट सो फर्स्ट इफेक्ट क्या है फोर्स का फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है रुका हुआ है उसमें वो फोर्स अप्लाई करने से मोशन ला सकता है फोर्स ठीक है देन सेकेंड वी विल सी फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रुक सकता है ठीक है जैसे आम, आपको दिख रहा है है हाँ स्क्रीन पे बॉल जो है, वो मूव करते हुए जा रहे हैं गोलकीपर की तरफ फुटबॉल देखा है आप सबने है ना बॉल मूव करके जाती है उसके तरफ तो वो क्या करता है उसको रोकता है है ना स्टॉप करता है वहां पे पोस्ट पे गोल पोस्ट पे राइट सो द गोल द बॉल राइट सो सिमिलरली वेन यू अप्लाई ब्रेक्स जब आप साइकिल चलाते हो तो आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं है ना तो वो जो ब्रेक है वो क्या करते फोर्स अप्लाई करता है आपके साइकिल के व्हील्स पे जिससे कि वो साइकिल जो है वो रुक जाती है पहले वो मोशन में थी अब वो रेस्ट पे आ जाती है राइट देन अ मूविंग बॉल कैन स्टॉप एंड कम टू रेस्ट व्हेन यू अप्लाई फोर्स विथ योर हैंड्स जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ठीक है बॉल आ रही है और हम उसको जब कैच करते हैं तो वो बॉल पहले मोशन में थी और जैसे हम उसे कैच करते हैं वो रेस्ट पे आ जाती है राइट सो अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट ये है सेकेंड इफेक्ट ऑफ फोर्स फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट अच्छा वन मोर थिंग इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ फोर्स ऑलवेज मेक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव अभी इससे पहले हमने देखा कि फोर्स जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है ठीक है लेकिन सभी केसेस में ये नहीं होता है ठीक है अगर आप अपने घर में जो आपकी वॉल है आपके बेडरूम की वॉल को अगर आप पुश करें तो क्या वो मूव करेगी नहीं करेगी है ना अगर आप एक पेड़ मोटा सा पेड़ है उसके पास जाके अगर आप उसके ट्रंक को पुश करें तो क्या वो पेड़ मूव करेगा नहीं करेगा क्यों बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाई यू इज नॉट सफिशियंट टू मूव द वॉल और अ ट्री ठीक है जितना फोर्स हमें चाहिए उस वॉल और ट्री को मूव करने के लिए उतना फोर्स हम नहीं लगा पाएंगे हम नहीं लगा पा रहे हैं उस वॉल पे या ट्री पे इसलिए वो जो वॉल और ट्री है वो मूव नहीं करेगा राइट सो so, जरूरी नहीं है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो हमेशा ही वो ऑब्जेक्ट मूव करे कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो मूव नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए वो फोर्स सफिशियंट नहीं होगा ओके नाउ मूविंग ऑन थर्ड इफेक्ट थर्ड इफेक्ट देखेंगे हम थर्ड इफेक्ट क्या है फोर्स का फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट यस अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है ऑलरेडी मूव कर रहा है ठीक है तो जब हम उसपे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता है फोर्स ठीक है इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है क्रिकेट हम सब ने देखा है बॉल आती है स्विंग करते हुए बैट्समैन की तरफ बॉल ऑलरेडी मोशन में है और बैट्समैन क्या करता है उस उसको बैट से हिट करके हिट uh, करता है है ना तो वो जो बॉल है उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है राइट right? देखा है आप सबने सिमिलरली बेस बॉल में होता है ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे व्हेन अ टेनिस प्लेयर आल्सो रिटर्न्स अ सर्विस जब वो सर्विस रिटर्न करता है टेनिस प्लेयर जब टेनिस खेलता है तो ही और शी यूज फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल है ना सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट जब आप बैडमिंटन खेलते हैं है ना बैडमिंटन खेलते हैं तो आपको जो शटल होता है उसको आप हिट करते हैं तो आप क्या करते हैं कोशिश क्या करते हैं सामने वाले का वो जो शटल है वो उसको मार ना पाए और वो गिर जाए तो उसके लिए आप क्या करते हैं उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं ऑलरेडी आपके पास मूव करके आ रहा है वो शटल आप उसको दूसरे डायरेक्शन में उसको हिट करते हैं है ना तो आप उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं राइट सो बिकॉज यू अप्लाई फोर्स ऑन दैट शटल विद द हेल्प ऑफ यूर रैकेट ओके, ठीक है अगर कोई object already motion में है, तो उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट यस किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको भी जो फोर्स है वो चेंज कर सकता है सपोज करिए आप खड़े हैं आपके पास आपके सामने बॉल रखी हुई है ठीक है आपने उसे धीरे से क्या किया आ, 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 किक किया ठीक है तो वो बॉल जो है वो उसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी धीरे से रोल करके जाएगा वो और अगर उसी पे आपने जोर से किक कर दिया ठीक है अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है ना मतलब उस पर और आपने उसको किक कर दिया तो उसकी स्पीड क्या होगी बढ़ जाएगी राइट सिमिलरली सपोज करो आपको कोई रोल करके बॉल दे रहा है है ना और आपने उसको बैट से हिट किया जोर से तो क्या होगा उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी आप सब ने स्विंग स्विंग सबने, आ, आ, सब ने यूज़ किया होगा सब स्विंग पे झूले हैं है ना अभी भी झूलते होंगे तो आपने देखा होगा जब आप अपने फ्रेंड को पीछे से क्या करते हैं उसको पुश करते हैं जितने बार वो आपके पास आता है स्विंग और उसको जितने बार आप पुश करते हैं हर बार उसकी जो स्पीड है वो क्या होती बढ़ जाती है, है ना जो स्विंग है वो ऑलरेडी मूव कर रहा था लेकिन जब आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ उसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई है ना इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द स्विंग राइट सो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट है ना आप अपनी बाइसिकल चलाते हैं बाइसिकल में जब आप पैडल जोर से मारने लगते हैं तेजी से मारते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर तो क्या होता है आपकी बाइसिकल की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है राइट सो दीजाम और गैमी बनाते हैं है पेपर आप फोल्ड करते हैं उस पर आप फोर्स लगाते हैं राइट right? तो क्या होता है उसका शेप चेंज हो जाता है पेपर का साइज चेंज हो जाता है जब मम्मी आपके घर पे आटा गूंजती है है ना वेन शी नीड्स अ ऑफ फ्लार ओके तो क्या होता है उसका जो शेप और साइज है वो चेंज होता है मम्मी क्या कर रही है हाथों से उस पर फोर्स अप्लाई कर रही है अपने है ना देन जब आप टूथपेस्ट से अपना आ, आ, पेस्ट निकालते हैं टूथपेस्ट के ट्यूब से तो आप क्या करते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं है ना तो जो आपका ट्यूब है उसका शेप चेंज हो जाता है राइट सो इन ऑल द केसेस यू कैन सी दैट यू अप्लाई फोर्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ़ द ऑब्जेक्ट ओके सो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है तो फोर्स क्या क्या कर सकता है सबसे पहले तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसको मोशन में ला सकता है सेकेंड अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट पर ला सकता है ना देन थर्ड अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन uh, में है तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ा सकता है या कम कर सकता है है ना जरूरी नहीं कि हमेशा बढ़ाए कम भी कर सकते हैं अगर हम बॉल हमारे पास मूव करते हुए आ रही है तो जब हम उसको हल्का सा अगर टच करेंगे तो क्या होता है बॉल की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है राइट देन फोर्स क्या कर सकता है इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओके सो दीज आर द ऑफ फोर्स राइट नाउ नेक्स्ट वी विल सी यूनिट्स ऑफ फोर्स ओके सो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन ठीक है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है न्यूटन जिसको कि हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं ठीक है तो वन न्यूटन फोर्स जो है वो कितना होता है एक्चुअली जब आप हंड्रेड ग्राम का वेट अगर अपने हाथ पे रखें ठीक है जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पाम पे हंड्रेड ग्राम का जो वेट अगर आप रखेंगे तो जितना फोर्स आपको फील होगा ठीक है वही होता है वन न्यूटन फोर्स ठीक है हंड्रेड ग्राम वेट ऑन योर पाम इज एग्जैक्टली द इक्वल टू द फीलिंग ऑफ वन न्यूटन फोर्स ठीक है सो द फोर्स एग्जर्टेड बाई द हंड्रेड ग्राम वेट ऑन पाम इज नियरली वन न्यूटन ओके हंड्रेड ग्राम जो वेट है वो आपके पाम पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज इक्वल टू वन न्यूटन फोर्स ठीक है दैट मीन्स अगर आप अपने पाम पे टू हंड्रेड ग्राम का वेट रखेंगे तो आपको कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा टू न्यूटन का राइट सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास वन के जी वर्टिकली अपवर्ड्स इज कॉल्ड किलोग्राम फोर्स वन किलोग्राम फोर्स क्या होता है अगर एक के जी का कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमको लिफ्ट करना है ग्राउंड से ऊपर की तरफ ठीक है तो हम जितना फोर्स उस पे लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए उस फोर्स को हम बोलते हैं वन किलोग्राम फोर्स दैट मीन वन किलोग्राम ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए ऊपर लिफ्ट करने के लिए हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज वन किलोग्राम फोर्स जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं के जी एफ के जी एफ मीन किलोग्राम फोर्स ठीक है KGF. KGF और ये जो वन किलोग्राम फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट न्यूटन दैट मीन्स अप्रोक्स टेन न्यूटन ठीक है तो मतलब अगर हम किसी एक के जी का सपोज आपके दाल का कोई पैकेट है आपका ठीक है दाल का पैकेट रखा हुआ है एक के जी का और उसको आप उठाने के लिए जितना फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज नाइन पॉइंट एट न्यूटन ठीक है या फिर थाउजेंड ग्राम फोर्स है ना क्योंकि वन के जी इज इक्वल टू

मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसके ऊपर और कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है ठीक है सो रियल लाइफ में क्या होता है एक ऑब्जेक्ट पे एक बार में एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उसको पुश करें तो वही उस पर बस फोर्स लग रहा है जो हम पुश कर रहे हैं उसको वही हम बस हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसा नहीं है ठीक है एक ऑब्जेक्ट पे एक टाइम पे एक से ज्यादा फोर्सेस लगते हैं ठीक है सो द रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड वुड हैव द सेम इफेक्ट एज ऑल द सेपरेट फोर्सेज एक्टिंग अपॉन इट ठीक है तो रिजल्टेंट फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं कैसे जितने भी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं ठीक है जितने भी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं उन सब को कैलकुलेट करके उनका जो रिजल्टेंट जो नेट फोर्स आता है ठीक है दैट इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स इसको बहुत ही ईजी से एग्जाम्पल से हम समझेंगे ठीक है सपोज आप एक हैवी बॉक्स को पुश कर रहे हैं ठीक है जिसमें कि व्हील्स लगे हुए हैं नीचे सपोज व्हील्स लगे हुए हैं एक बॉक्स पे ठीक है उसको आप पुश कर रहे हैं और उस पर फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं फोर्टी न्यूटन ठीक है और आपको वो जो पुश uh, करना सॉरी आपको वो जो बॉक्स है वो काफी भारी लग रहा है ठीक है भारी लग रहा है और आप उसको बहुत तेजी से मूव नहीं कर पा रहे हैं ठीक है तो आपने अपने फ्रेंड को बुलाया अब आपका जो फ्रेंड है वो भी आपके साथ उस बॉक्स पे क्या कर रहा है फोर्स अप्लाई कर रहा है ठीक है और उसने फोर्स अप्लाई किया सपोज फिफ्टी न्यूटन ठीक है और अब जो आपका हैवी बॉक्स है वो फास्ट मूव करने लग गया तो वॉट डू यू थिंक कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उस बॉक्स पे उस बॉक्स पे कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी और जो आपका फ्रेंड अप्लाई कर रहा है वो भी ठीक है ये दिख रहा है आपको यहां पे आप और आपका फ्रेंड दोनों मिलकर जब उस बॉक्स को पुश कर रहे हैं ठीक है थीके? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप दोनों के जो फोर्सेस है वो ऐड हो जाएंगे है ना आपने 40 न्यूटन लगाया आपके फ्रेंड ने 50 न्यूटन लगाया दैट मीन्स टोटल कितना हो गया 90 न्यूटन है ना तो अब इस बॉक्स पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है ठीक है दैट इज 90 न्यूटन टोटल फोर्स कितना हो गया फोर्स अप्लाइड बाय यू प्लस फोर्स एप्लाइड बाई योर फ्रेंड फिफ्टी प्लस फोर्टी दैट इज नाइन्टी ओके सो द टोटल फोर्स एप्लाइड ऑन दॉक्स इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स ओके सो द रिजल्टेंट फोर्स इज द टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉक्स ओके सो वी कंक्लूड दैट वेन टू फोर्सेज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन अभी क्या पता चला हमको कि अगर कोई दो फोर्सेज एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम डक्शन में लग रहे हैं ठीक है तो जो उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उन दोनों फोर्सेस को हम ऐड कर देंगे ठीक है एंड इट मूव्स द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं दिख रहा यह है आपको यहां ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा क्योंकि हम फोर्स कहां से अप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में ही अप्लाई कर रहे हैं और ये दोनों फोर्सेज जो होंगे वो एड हो जाएंगे राइट नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सिचुएशन यहां देखते हैं हम ठीक है अब यहां क्या हो रहा है दिख रहा है आपको सपोज आपके और आपके फ्रेंड में आर्ग्यूमेंट हो गई झगड़ा हो गया सपोज ठीक है तो आपके फ्रेंड ने क्या किया मना कर दिया आपको हेल्प करने से मैं नहीं हेल्प करूंगा तेरी ओके अब वो क्या कर रहा है अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है ठीक है ऑपोजिट डायरेक्शन से उसने फोर्स लगाना स्टार्ट किया और आप इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा बोथ जो फोर्सेस हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हैं ठीक है तो रिजल्टेंट फोर्स अब क्या हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आप दोनों के फोर्स को माइनस करेंगे राइट right? सपोज आप कितना लगा रहे थे फोर्टी न्यूटन और आपका जो फ्रेंड है वो लगा है सपोज फिफ्टी न्यूटन तो क्या लगता है आपको किस तरफ मूव करेगा बॉक्स यस तो दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में आपका फ्रेंड बॉक्स को पुश कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो बॉक्स है वो मूव करेगा लेकिन अगर आप दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया आपने भी फोर्टी न्यूटन लगाया और उसने भी फोर्टी न्यूटन लगाया और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से लगा रहे हो तो क्या होगा बॉक्स मूव करेगा नहीं मूव करेगा क्यों क्योंकि तब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जाए वो क्या हो जाएगा 40 माइनस फोर्टी दैट इज जीरो वाले केस में क्या था 50 माइनस फोर्टी दैट इज 10 न्यूटन है ना तो जो ज्यादा फोर्स लगा रहा था उसी डायरेक्शन में वो बॉक्स जो है वो मूव करता क्योंकि टेन न्यूटन फोर्स उसने ज्यादा लगाया था लेकिन इस केस में क्या हो रहा है अगर आप दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया तो द बॉक्स विल नॉट मूव बिकॉज फोर्टी माइनस फोर्टी इज जीरो सो वी कंक्लूड दैट टू इक्वल दूक्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस दो इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से एक्ट कर रहे हैं इस तरफ से एक कर रहा है और एक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से ठीक है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर एक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना हो जाता है हमारा जीरो और वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा ठीक है तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस बैलेंस हो गया यहां से भी फोर्टी यहां से भी फोर्टी तो दिस इज बैलेंस्ड फोर्स राइट ओके सो सपोज यू पुश द हेवी बॉक्स विद अ फोर्स ऑफ फिफ्टी न्यूटन जो मैंने अभी बताया आपको टेन न्यूटन वाला जो डिफरेंस था हमारा ठीक है आपने फिफी न्यूटन सॉरी फोर्टी लगाया और आपके जो फ्रेंड है उसने कितना लगाया? 40 लगाया, तो कहा मूव करेगा इन डायरेक्शन इन विच योर फ्रेंड इज में बैलेंस नहीं है वो ठीक है तो अनबैलेंस जहां पे फोर्स होगा तो वहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा राइट सो वी कंक्लूड दैट व्हेन टू अनइक्वल फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ठीक है ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर जो दो यहां पे दिख रहा होगा आपको ये देखिए एक और एग्जाम्पल है आपका फ्रेंड है एक बीच में ठीक है एक तरफ से आप उसको खींच रहे हैं और दूसरी तरफ से आपका दूसरा फ्रेंड उसे खींच रहा है ठीक है ये वाला आप एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए अन एकवल फोर्सेस के लिए तो आपने कितना फोर्स लगाया यहां पे टेन न्यूटन ठीक है और आपके फ्रेंड ने कितना लगाया सिक्स न्यूटन और आप दोनों ही उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो आपका फ्रेंड है जो बीच में खड़ा हुआ है ये किस तरफ मूव करेगा आपकी तरफ मूव करेगा राइट right? सो so, क्या हो रहा है टू अन इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से ठीक है तो जो फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हम कैसे निकालेंगे डिफरेंस से निकालेंगे कितना फोर्स यहां पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है टेन माइनस सिक्स ठीक है रिजल्टेंट फोर्स टेन माइनस सिक्स दैट इज फोर न्यूटन राइट फोर न्यूटन इज द रिजल्टेंट फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स जिस तरफ से ज्यादा फोर्स लग रहा है उस तरफ ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा ठीक है यहां पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है फोर न्यूटन राइट टेन न्यूटन माइनस सिक्स क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है तो हम माइनस करेंगे सिमिलरली यहां पे कितना था रिजल्टेंट फोर्स जीरो ओके यहां पे फोर न्यूटन तो यहां पे क्या होगा ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में ठीक है जहां पे लार्जर फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहां पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा ओके okay? सो आई होप यू अंडरस्टूड इट ओके नाउ कभी आपने uh, खेला ही होगा ऑब्वियसली टग ऑफ वॉर हमने खेला है राइट right? मैंने भी खेला है आपने भी खेला होगा ये जो गेम है टग ऑफ वॉर बहुत मज़ा आता है ना हम एक रोप को uh, पुल करते हैं दोनों टीम्स रहती हैं ऑपोजिट uh, डायरेक्शन में और दोनों ही अपने अपने तरफ क्या करते हैं इसको uh, जो रोप है उसको पुल करने की कोशिश करती हैं दोनों ही फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों डायरेक्शन से राइट तो मतलब यहाँ पे जो उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है सो क्या होता है ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो जो रोप है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा राइट सो सच फोर्सेस आर सेट टू बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस यहां पे जो टीम ज्यादा फोर्स लगाती है जो ज्यादा जोर से पुल करती है ठीक है जो ज्यादा फोर्स लगाती है और उसको पुल कर लेती है अपनी तरफ वो गेम uh, जो है वो जीत जाती है ठीक है सो इन दिस केस दैल फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड फोर्सेज ठीक है द अनबैलेंस फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कैन ब्रिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ठीक है तो जो अनबैलेंसड फोर्सेज होते हैं वो क्या कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसको मूव कर सकता है ठीक है देन कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकता है ठीक है और किसी ऑब्जेक्ट का जो कि मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है जब फोर्सेस कैसी होती है अनबैलेंस्ड फोर्सेस ठीक है बैलेंस्ड फोर्सेस में देयर विल बी नो मूवमेंट बैलेंस्ड फोर्सेस जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेंगी तो उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा लेकिन जब अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसमें मूवमेंट होगा ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स ओके नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सो फोर्सेज को हम टू ग्रुप्स uh, में क्लासीफाई कर सकते हैं कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज ठीक है कॉन्टेक्ट फोर्सेज नाम से ही समझ आ रहा है ठीक है क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसमें ऑब्जेक्ट और जो फोर्स हमारा लग रहा है उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होता है ठीक है तो आ, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे ठीक है जब आप किसी आ, अपने फ्रेंड को पुश कर रहे हैं बाइसिकल पे ठीक है या आप आ, लिख रहे हैं पेंसिल से ठीक है या फिर आप किसी चीज़ को पुश करके लेके जा रहे हैं सपोज आप अपने घर में बॉक्स को पुश कर रहे हैं या चेयर को पुश कर रहे हैं ठीक है या फिर आप फुटबॉल को किक कर रहे हैं ठीक है तो इन सभी केसेस में कॉन्टेक्ट फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं सो कॉन्टेक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस दैट एक्ट ओनली वेन ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट जब कोई दो ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट में होते हैं फिजिकल कॉन्टेक्ट मतलब उन दोनों की बॉडी जब कॉन्टेक्ट में होती है दोनों ऑब्जेक्ट की तब जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्सेस ठीक है तो ये यह यहां पे जितने भी दिख रहे हैं आपको ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्सेस राइट सो सम एग्जाम्पल्स आर मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है द टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों को देखेंगे हम थोड़ी डिटेल में सो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स ठीक है मसल्स के एक्शन के वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पे उसे हम बोलते हैं मस्क्युलर फोर्स जो हमारे मसल्स के एक्ट uh, uh, से होता है ठीक है जब हम अपने मसल्स यूज करते जैसे जब आप अपने uh, हमने एग्जाम्पल देखा था कौन सा जब आप हैवी बकेट उठा रहे हैं पानी से भरा हुआ या फुटबॉल को किक कर रहे हैं या बाइसिकल में पेडलिंग कर रहे हैं पेडल मार रहे हैं ठीक है इन सभी एग्जाम्पल्स में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ऑब्जेक्ट पे वो कैसे हो रहा है या तो आपके हाथों से हो रहा है या तो आपके पैर से हो रहा है ठीक है और इसमें जो आपके मसल्स हैं वो काम कर रहे हैं है ना ऑब्जेक्ट को पुश करने में और पुल करने में मसल्स आपके यूज हो रहे हैं और इन सभी केसेस में आपके हैंड और जो लेग्स हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में है फिजिकल कॉन्टैक्ट में है राइट right? सो so, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स ठीक है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टेक्ट में है इसलिए मस्कुलर फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है कॉन्टेक्ट फोर्स है ठीक है तो हम मस्कुलर फोर्स कहाँ कहाँ यूज करते हैं वॉकिंग में यूज करते हैं रनिंग में यूज करते हैं ठीक है किसी चीज को पुश करने के लिए यूज करते हैं पुल करने के लिए यूज करते हैं ठीक है और या फिर हमको जब ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना होता है तो भी हम मस्कुलर फोर्स ही यूज करते हैं ठीक है हम जो बुक जो या पुल करते हैं टेबल पे है ना जो हम कर रहे थे तो दैट इज ड्यू टू मस्कुलर फोर्स है ना कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम उसपे मस्कुलर फोर्स और मस्कुलर फोर्स क्या है कॉन्टेक्ट फोर्स क्योंकि हमारा हाथ और जो बुक है वो दोनों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में है ठीक है सो एनिमल्स को भी आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं लाइक like एलिफेंट्स हैं बुलक्स हैं वो क्या करते हैं बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं हैवी लोड्स उठाते हैं ठीक है या फिर टोंगा में आपने देखा होगा जो हॉर्सेस होते हैं वो uh, कार्ट को खींचते हैं बुलक कार्ट में जो बुलक्स होते हैं वो कार्ट को खींचते हैं तो वो सब कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं मस्कुलर फोर्स ठीक है जो एनिमल्स जो हैवी लोड यूज करते हैं या कार्ट को खींचते हैं दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स ओके नाउ नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इसको हम बोलते हैं ठीक है इसे बहुत ही इजीली समझते हैं इमेजिन करिए अगर आपने किसी बॉल को आ, एक सरफेस पे रोल किया ठीक है आप ग्राउंड में खेल रहे हैं और आपने बॉल को रोल किया या किक कर दिया और उसको आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है वहाँ पे उस बॉल को सामने से रोकने के लिए तो क्या होगा कि आपने जब उस बॉल को किक किया तो क्या वो बॉल पूरे टाइम रोल करती रहेगी नहीं एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी बॉल जो है वो रुक जाएगी राइट अपने आप रुक जाएगी तो क्या हुआ किसी ने फोर्स तो नहीं लगाया उसके ऊपर आपका फ्रेंड भी नहीं है वहां पे फील्ड में कि वो उसको रोके तो फिर बॉल कैसे रुक गई अपने आप है ना ये जो बॉल का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज कैसे हो गया बॉल तो मूव कर रही थी और वो अचानक रेस्ट में आ गई थोड़ी देर के बाद सो दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यस ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसी की वजह से वो जो बॉल है वो आपकी रुक गई कुछ टाइम के बाद ठीक है सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड ओके द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट दैट ऑपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करें जैसे सपोज करिए आपकी बॉल है ठीक है बॉल आपकी मूव हो रही थी इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा था उस पर मोशन में जा रही थी वो लेकिन इसी बॉल पे एक और फोर्स एक्ट uh, कर रहा है एट द सेम टाइम दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है ठीक है और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट इज एक्टिंग बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉल ये बॉल का जो सर्फेस है उसके एंड द ग्राउंड इन दोनों के बीच में ही एक्ट करता है ये इन दोनों के बीच में जहाँ पे ये दोनों का कॉन्टैक्ट होता है यहीं पे ये फोर्स जो है वो एक्ट करता है ठीक है सो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स ठीक है एंड इट ऑलवेज ऑपोजिट द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ये जो फ्रिक्शनल फोर्स uh, है ये हमेशा ही uh, क्या करता है मोशन मोशन जिस uh, motion के ऑपोजिट एक्ट करता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है ठीक है एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सर्फेसिस क्यों रुक जाती है बॉल क्योंकि आप जिस ग्राउंड uh, पे खेल रहे हैं ठीक है वहां पे क्या है वो स्मूद नहीं है एकदम वो जो फ्लोर है आपका वो स्मूथ नहीं है वो कैसा है रफ है ठीक है तो द मोर इज द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट द मोर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा अप्लाई होगा राइट और जितना सरफेस स्मूथ होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही कम होगा ओके सो so, इसका बहुत ही इजी uh, से एग्जांपल है ठीक है क्या होता है जब आप आपके घर में जो फ्लोर है टाइल्स लगी हुई होती हैं ठीक है थीके? तो जब आप ऐसे नॉर्मली वॉक करते हैं ठीक है नॉर्मली आप वॉक करते हैं तो क्या होता है आप वो फिसलते नहीं है लेकिन अगर वहाँ पे पानी गिरा हुआ है पानी अगर गिरा हुआ है फ्लोर पे आपको नहीं दिखा और अगर आप उसके ऊपर चले तो क्या होता है हम फिसल जाते हैं है ना तो क्यों होता है ऐसा क्योंकि जो पानी है वो आ, उस सरफेस के ऊपर एज अ ल्यूब्रिकेंट काम करता है है ना जो सरफेस जो हमारा जो फ्लोर है वो हमको जो इतना प्लेन दिखता है वो एक्चुअली उतना प्लेन होता नहीं है उसमें भी क्या होते हैं गड्ढे होते हैं छोटे 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 गड्ढे होते हैं रफ सरफेस होता है वो एकदम स्मूद नहीं होता ठीक है तो जब उस पर पानी गिर जाता है तो क्या होता है वो पानी जो है वो रफ सर्फेसेस में जो गड्ढे थे उसको कवर कर देता है तो वो जो सर्फेस है वो एकदम चिकना हो जाता है जिसकी वजह से हम उस उसपे गिर जाते हैं ठीक है क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता फिर ठीक है आपने आइस स्केटिंग करते हुए देखा होगा लोगों को कभी आइस पे चल के देखा है आपने अगर आप कभी गए होंगे तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल भी काम नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ सरफेस होता है बहुत ही ज्यादा स्मूथ राइट तो जो एकदम स्मूथ सर्फेसेस होते हैं अगर सपोज करिए आपने जिस बॉल को आपने किक किया था ठीक है जो आगे जाके रुक गई थी ठीक है अगर वो सरफेस एकदम ही स्मूद हो बिल्कुल स्मूद हो ठीक है तो वो बॉल जो है वो कभी नहीं रुकेगी वो क्या होगी हमेशा मूव करती रहेगी ठीक है तो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आता है एट आफ्टर सम टाइम जब उसके ऊपर कोई और एडिशनल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ठीक है अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एडिशनल फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स और वो मोशन में है तो वो कुछ टाइम के बाद अपने आप रुक जाएगा दैट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओके सो नाउ यू अंडरस्टूड एंड दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी वेरी नेसेसरी ओके ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा फ्रिक्शन वाला चैप्टर उसमें हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन जो होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है ओके नाउ मूविंग ऑन वी विल सी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस नाम से पता चल रहा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस मतलब ऐसे फोर्सेज जिसमें ऑब्जेक्ट और फोर्स के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है टच नहीं है ठीक है सो ऐसे फोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज द फोर्सेज दैट कैन एक्ट इवन वेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट ये जो फोर्सेज होते हैं ये तब भी एक्ट कर सकते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं है ठीक है सो इसके कौन कौन से टाइप्स मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है सो दीज आर द दिच आर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज मैग्नेटिक फोर्स हम क्लास सिक्स में भी पढ़ चुके हैं ठीक है बहुत ही ईजी है पता है आपको सबने आ, आप सबने मैग्नेट से खेला होगा ठीक है तो जब आप मैग्नेट को किसी भी आयरन की चीजों के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है वो जो आयरन की चीजें होती हैं वो मैग्नेट से चिपक जाती हैं दे स्टिक टू द मैग्नेट ठीक है सो Uh, ये भी देखा है हमने कि द बार मैग्नेट एंड द आयरन क्लिप्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर है ना क्या होता है जो आयरन क्लिप है जिससे हम बार uh, मैग्नेट को जब हम आयरन क्लिप्स के पास लेके जाते हैं तो उनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है बहुत ही दूर होते हैं लेकिन फिर भी वो जो क्लिप्स होती है वो जाके उससे चिपक जाती है क्यों दैट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट है वो उस पर अपना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है उस क्लिप्स uh, पे राइट सो मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट द क्लिप्स टूवर्ड्स द बार मैग्नेट ये दिख रहा है आपको मैग्नेट जो है वो आ, जो आयरन ऑब्जेक्ट है उसको क्या करता है उसके ऊपर अपना फोर्स अप्लाई करता है ठीक है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स नेक्स्ट वी विल सी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ये भी आपने किया होगा कॉम्ब आपकी जो प्लास्टिक की कॉम्ब होती है उसको कभी आपने अपने हेयर्स में से रब किया होगा और छोटे छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास अगर आप उसको लेके गए तो दूर से ही तो आपने देखा होगा कि वो जो पीसेस ऑफ पेपर होते हैं वो क्या होते हैं उसमें स्टिक कर जाते हैं है ना सो दिस इज बिकॉज द कॉम हैज बीन चार्जड वो जो कॉम्ब है जब हम उसको रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है ठीक है तो चार्ज प्रोड्यूस होता है ड्यू टू रबिंग ऑफ कॉम एंड रिमेन देयर विदाउट एनी मूवमेंट ठीक है इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोसेटिक चार्ज ठीक है द चार्ज इज प्रोड्यूस ड्यू टू रबिंग ऑफ कॉम एंड रिमेन्स देयर विदाउट एनी मूवमेंट इसको हम इलेक्ट्रोसेटिक चार्ज बोलते हैं और वो फोर्स विच इज एक्जोर्टेड बाई अ चार्ज ऑब्जेक्ट कोई चार्ज ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे चार्जड ऑब्जेक्ट पे या अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई करता है तो उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स यहां पे हमारा जो कॉम्ब है वो कैसा है चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया जब हमने उसको रब किया अपने हेयर्स में ड्राई हेयर में ठीक है तो हमने जब उसको रब किया तो वो चार्ज हो गया उसके अंदर एक चार्ज आ गया ठीक है और ये जो हमारे बिट्स ऑफ पेपर है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो चार्ज नहीं है लेकिन जब हम उनको कॉम को जब हम उनके पास लेके जाते हैं तो क्या होता है वो जो बिट्स ऑफ पेपर है दे गेट अट्रैक्टेड दे स्टिक टू द कॉम्ब ठीक है सो दैट इज इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स द फोर्स वॉज अपलाइड बाई द कॉम विच इज अ चार्ज ऑब्जेक्ट ओके नाउ और यहां पर क्या हो रहा है वही मैंने बताया अभी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है दैट मीन्स फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है हम फिजिकली हम कॉम से जो पीसेस ऑफ पेपर है उसको टच नहीं कर रहे हैं दूर ही रखते हैं और वो स्टिक कर जाते हैं ठीक so है सो इट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स देन नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है एक्चुअली द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर ऐसा फोर्स जिससे कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ठीक है और हमारे पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ठीक है एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स ठीक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ के पास ही वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और uh, मून के पास नहीं है और सन के पास नहीं और दूसरे प्लानट्स के पास नहीं और या अर्थ पर जितनी भी चीजें हैं उनके पास नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में जित कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ क्या करता है अट्रैक्ट करता है ठीक है सो इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स इवन व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कनेक्टेड बाय एनी मीन्स ठीक है दो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं भी होते हैं तो भी ये जो फोर्स है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्ट करता है ठीक है एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स यूनिवर्स में हर जगह ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है ठीक है सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो अर्थ है वो मून को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है जो मून है वो भी अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है उन दोनों के बीच में ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है ठीक है नाउ Uh, ये देखा होगा आपने जब भी हम uh, बहुत ही सिंपल सा है बॉल को जब भी हम ऊपर फेंकते हैं वो हमेशा नीचे आती है कोई भी चीज़ को हम ऊपर फेंकें तो हमेशा वो अर्थ की तरफ हमेशा वो डाउनवर्ड्स ही फॉल करता है ठीक so, है सो दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है द फोर्स दिस फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ठीक है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्जटेड बाई द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस आया अभी ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है ठीक है आपस में एक दूसरे को जो वो अट्रैक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है force, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्टेड बाई द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है ठीक है एग्जर्ट करता है उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी